प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की सोशल मीडिया पर सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ आपत्तिजनक फोटो वायरल करने के बाद भाजपा नेताओं ने कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। शुक्रवार को भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा, कुछ अराजक तत्व प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश में लगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल फोटो को दिखाया, कहा पिछले दिनों सोशल मीडिया पर यह फोटो वायरल हो रहा जिसमें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ अपमानित करते हुए दर्शाया जा रहा, जिससे हिंदू भावना को ठेस पहुंची। भाजपा नेताओं ने मांग की है फोटो वायरल करने वाले आरोपी के खिलाफ तहरीर की जाए। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा का कहना, हिंदू देवी देवताओं व संतों पर लगातार प्रहार किया जा रहा, पुलिस ऐसे अराजक तत्वों पर कार्रवाई भी कर रही, लेकिन सोशल मीडिया में फोटो के जरिए से जिस प्रकार से सीएम का अपमान किया जा रहा जिससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हो रही, उन्होंने उक्त फोटो वायरल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। क्या नाम है? हरिवंश मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष भाजपा आजमगढ़। आज इसको लेकर ज्ञापन देने आए थे। देखिए, हमारे देवी देवताओं और संतों के ऊपर लगातार प्रहार किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, इसके बाद भी ये नहीं रुक रहा है। गोरक्ष पीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको एक पूर्व मुख्यमंत्री के पैर के नीचे रखकर एक शिक्षक, अपने को शिक्षक बनता है निजाम खान, उसने एक पोस्ट की हुई है। मैं आपसे कहता हूं, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी केवल भ्रष्टाचारी, आतंकवादी व मैंने सबको बढ़ावा देने का काम अगर किसी ने किया तो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आज भी वो शिक्षक केवल इसलिए वहाँ बैठा है कि कितना लव जिहाद करा लूं, कितना भ्रष्टाचार करा दिया जाए, कितने लोगों को आतंकवादी पैदा किया जाए, ऐसा शिक्षक वहां बैठा है जिसपे कार्रवाई हुई है, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हुई है। आज उसी के लेकर हम लोग अपने यहां पुलिस अधीक्षक महोदय के यहां आए हैं कि इस पे रासुका जैसे केस लगाकर इसको अंदर किया जाए और इसकी पूरी संपत्ति की जाँच की जाए। मैं आपको बता देता हूँ, अगर संपत्ति की जाँच की जाएगी तो इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन ISI से निकलेगा। ऐसा यही लोग, जितने ये लोग ऐसे लोग हैं, अभी मदरसों की जांच हो रही है, आप देख रहे हैं पूरा लगातार ये स्थिति चली जा रही है। ये कुछ सपा बसपा मानसिकता के जो लोग हैं और जो आतंकवादी मानसिकता के हैं, वो लगातार इस पे काम कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी लगातार इस पे सक्रिय हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लगातार यहाँ की टीमें काम कर रही हैं, लेकिन कहाँ कहाँ काम करेगी जब हर घर में ऐसे आतंकवाद के कुछ नुमाइंदे बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, हम लोगों की यही मांग है। क्या मामला है? मामला ये है कि एक सरकारी शिक्षक है निजाम खान, जिसने एक फेसबुक पे एक डाला है, पोस्ट डाला है, उसमें उसने दिखाया है कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज अखिलेश के चरणों में बैठे हैं और उनके चरणों की पूजा कर रहे हैं। ये लोग लगातार हमारी आस्थाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, लगातार हमारे मान बुजुर्गों पे, हमारे देवी देवताओं पे, हमारे संतों पे इस तरह की टिप्पणी करते हैं, इस तरह की पोस्ट डालते हैं। हम आज मांग कर रहे हैं कि ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ, जो सरकारी शिक्षक भी है, इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जाए कि सारा समाज जाने, सारे लोग देखें कि दोबारा इस तरह की कोई टिप्पणी या इस तरह का कोई भी फेसबुक पे कोई पोस्ट न डाले, और उसी के विरुद्ध हम लोग आज देने आए हैं, मांग पत्र करने आए हैं कि ऐसे शिक्षक के खिलाफ अविलंब कार्रवाई की जाए और जांच की जाए कि इनकी जो मानसिकता है ये शुद्ध रूप से राष्ट्रद्रोही हैं और इनका कहीं न कहीं आतंकी संगठनों से इनका संबंध है। ऐसे लोगों की जांच की जाए, और आजमगढ़, जैसा कि महाराज जी पहले भी कहते थे कि आतंक की नर्सरी है, आजमगढ़ में इस तरह के एक नहीं सैकड़ों नवयुवक हैं जो इस तरह का कुकृत्य करते हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, शिक्षक को बर्खास्त किया जाए, और बिल्कुल शिक्षक को बर्खास्त किया जाए, मुकदमा किया जाए और उनकी जांच की जाए कि उनके पास जो संपत्ति आई या इनके संबंध किन किन संगठनों से हैं, और निश्चित रूप से ये स्लीपर सेल है, ये आतंकवादी तैयार करते हैं, समाज में विद्रोह करवाने की कोशिश करते हैं, अपनी टिप्पणियों से समाज को उद्वेलित करते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध प्रशासन अविलंब सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ठीक।